हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो नवी मुंबई में लोकेटेड है, नवी मुंबई वाली ब्रांच के बारे में बातें करेंगे। इसकी ढेर सारा जैसे फीस स्ट्रक्चर हो गया, इनका क्या क्या अलग फीस स्ट्रक्चर है, इनका क्या क्या मतलब अलग कट ऑफ है और मतलब कैसे ये पुणे से थोड़ा डिफरेंट है, क्या इनकी फैसिलिटीज है, कैसा इनका हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो है, ढेर सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर काफ़ी फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है आप कह सकते हैं। इसके लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में ये जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है। काफ़ी बढ़िया सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर लोकेटेड है, बिल्कुल प्रीमियम वाली आपको फील आने वाली है अगर यहाँ से आप अपनी MBBS की पढ़ाई करते हैं। तो अगर इसके अलावा इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करो, 1989 में ये जो इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश हुआ था और साथ ही ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये आप सभी को पता है और डीम्ड इंस्टीट्यूट है, डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। एंड इसके कुछ पॉपुलर्स नेम्स जैसे डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, MBBS कॉलेज, ढेर सारे मतलब इनके मतलब नाम है महाराष्ट्र के अंदर। और अगर आगे बढ़ते हुए कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आप MBBS, MD, MS ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी एफिलिएशन के बारे में तो देखो डॉक्टर डीवाई पाटिल जो यूनिवर्सिटी है पुणे के अंदर उसी से ये एफिलिएटेड है, उन्हीं की एक ब्रांच है और साथ ही NMC के द्वारा प्रॉपरली अप्रूव्ड है मेडिकल के लिए। तो बस हमें यही चाहिए होता है और तो ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं होती MBBS स्टूडेंट की। अगर मैं बात करूँ उस इंस्टीट्यूट की अब कुछ हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में, तो देखो हॉस्पिटल में ना इनके 1500+ बेड्स अवेलेबल है टोटल। और इसके अलावा पेशेंट फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो एवरेजली 3000 इनके लास्ट 12 डेज का पेशेंट फ्लो है, ठीक है। इतने पेशेंट इनके लास्ट मतलब 12 डेज में आए हैं तो अब वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके लिए क्या फिट होता है क्या नहीं होता है। एंड अगर मैं इनकी कुछ और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 15 ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे, 24/7 चैरिटेबल कैजुअलिटी एंड ट्रोमा सेंटर है, 300 बेड ICU फैसिलिटी है यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जैसे आप समझ सकते हैं ICU सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मतलब 24/7 हेल्पलाइन मिलेगी, इमरजेंसी हेल्पलाइन मिलेगी, आपको ब्लड बैंक मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाली है। और अब मैं अगर आगे बढ़ते हुए आपको बताऊँ यहाँ के कुछ ऐसा फीस स्ट्रक्चर और क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी है तो देखो आपको पता है नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो उसके लिए एक डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब उसकी क्या प्रोसेस है वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम बात करते हैं MBBS के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, फीस, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सारी चीजें। तो MBBS की जो इनकी टोटल ड्यूरेशन है वो है आपकी 4.6+1 ईयर इंटर्नशिप एंड फीस जो यहाँ की आपकी रहने वाली है 26 लाख पर ईयर, हॉस्टल फीस आपकी 2,10,000 पर ईयर, फुल पैकेज आपका 1,26,00,000, 95,000 आपका रहने वाला है और टोटल सीट आपकी यहाँ पे 250 अवेलेबल है। और अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में तो इनकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है मोप अप राउंड की तो वो है आपकी 303 इनका मतलब स्कोर था, नीट स्कोर, और मतलब फर्स्ट राउंड की जो थी वो थी 219। तो मतलब देख सकते हैं बढ़ गई है मोप अप राउंड में भी, तो 219 से नीचे तो जा नहीं सकती मतलब जो स्कोर है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं नीट में, तो आपका एडमिशन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपके लिए गेट एडमिशन अवेलेबल है ना, गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार स्क्रीन पे दे नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन ईजिली करा सकें, बेफिक्र आप हो जाएं और आपका एडमिशन अच्छे MBBS कॉलेज में हो जाए। डॉक्टर डीवाई पाटिल की अगर हम मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात करो, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, हॉस्पिटल बहुत ही प्यारा है, हॉस्टल भी इनके काफ़ी अच्छे AC नॉन AC रूम्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड टीचिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर, आपको मेडिकल का जो सारी चीज़ें हैं वो पहले ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो के इतना काफ़ी रहेगा, ज़रूर अप्रोच करें डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज को और मतलब गेट एडमिशन को अप्रोच करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, आवाज़ में, धन्यवाद।